अगर आप अपनी एसएचएस कार्ड में कुछ डिटेल अपडेट करना चाहते हैं या फिर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप ड्यू टू चेंज इन डाटा ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। जैसे आप अपने नाम में करेक्शन कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ में कर सकते हैं, अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ब्लड ग्रुप में कर सकते हैं, एक्स सर्विस मैन की रैंक वगैरह चेंज कर सकते हैं, फोटो सिग्नेचर भी आप अपडेट कर सकते हैं और ऐसी काफ़ी सारी जानकारी को आप कर सकते हैं अपडेट, वो आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने कार्ड को ब्लॉक करना होता है, उसके बाद ड्यू टू चेंज इन डाटा में आपको रीप्रिंट के लिए अपना कार्ड भेज देना होता है। इसमें दो ऑप्शन है, एक में आपका कार्ड रीप्रिंट होता है, दूसरे में नहीं होता है। दूसरे में आपका वीक कार्ड रहता है, वो रीड ओनली फील्ड्स और रीड राइट फील्ड्स का ऑप्शन है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद रिकॉर्ड ऑफिस में आपकी डिटेल को चेक किया जाता है, बिल्कुल सही डिटेल होंगी तो वो वेरीफाई कर देते हैं। फिर आपका नया कार्ड प्रिंट होने के लिए चला जाता है, तब तक आपको टेम्परेरी स्लिप मिल जाती है, उससे आप दवाई वगैरह ले सकते हो। तो कैसे करना है, क्या क्या ऑप्शन है, सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब करें और जोर से नीचे कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर ECHS सर्च करना है और फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। फिर आप इस साइट पर आ जाओगे, आपको यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड क्लिक टू लॉगिन यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड डालना है, नीचे कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेना है। लेकिन अगर आप अपनी ECHS कार्ड का आईडी और पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप मेरी इस वीडियो को देख के अपना आईडी और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। बाकी आईडी आप भूल चुके हो तो वो कैसे फाइंड करें और पासवर्ड भूल चुके हैं तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, दोनों के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, तो वो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद आप ECHS के यूज़र पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको उस व्यक्ति का कार्ड ब्लॉक करना होता है जिनका डाटा आप चेंज करना चाहते हो, तो आपको मोर ऑप्शंस यहाँ पर क्लिक करना है। ऊपर कार्ड ब्लॉक का ऑप्शन आ जाता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अभी आपको यहाँ पर उन सभी व्यक्तियों की ECHS कार्ड की डिटेल शो हो जाएंगी जो जो कार्ड आपने बनाए थे। अगर आपने सिर्फ एक्स सर्विस मैन का कार्ड बनाया तो वही शो होगा, बाकी डिपेंडेंट भी ऐड करवाए हैं तो नीचे शो हो जाएंगे। अगर आप एक्स सर्विस मैन की कोई डिटेल चेंज करना चाहते हो, जैसे रैंक वगैरह या अदर कोई डिटेल, तो आपको एक्स सर्विस मैन का कार्ड यहाँ से ब्लॉक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ड्यू टू चेंज इन डाटा ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, रिमार्क डाल के सबमिट कर देना है। लेकिन अगर किसी सिंगल व्यक्ति का जो डिपेंडेंट वगैरह है उनकी कोई डिटेल चेंज करनी है तो सिंपल एक्शन के नीचे उन्हीं पर क्लिक करें और सिर्फ उन्हीं का कार्ड ब्लॉक करें ड्यू टू चेंज इन डाटा में। बाकी अदर ऑप्शंस क्या हैं जानकारी आप इस वीडियो को देख के जान सकते हैं, मैंने पहले से वीडियो बना दी है। तो आप समझ गए होंगे कि एक्स सर्विस मैन की कोई डिटेल चेंज करनी है तो एक्स सर्विस मैन का कार्ड ब्लॉक करना है और अदर किसी व्यक्ति की करनी है तो उनका करना है। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। कार्ड ब्लॉक हो जाने के बाद आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कि कार्ड ब्लॉक हो चुका है। अब आपको होम पर दोबारा से क्लिक कर देना है। फिर आप दोबारा से यहाँ पर आ जाएंगे, आपको मोर ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ड्यू टू चेंज इन डाटा इस ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर कार्ड नंबर, बेनिफिशियरी नेम, स्टेटस और अदर डिटेल शो हो जाएंगी, आपको देख लेना है। जिस भी व्यक्ति का आपने कार्ड ब्लॉक किया है उसके सामने एडिट का ऑप्शन होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एडिट जो जो डिटेल आप कर सकते हो वो सारी डिटेल शो हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने एक्स सर्विस मैन की कोई डिटेल चेंज करनी है, रैंक वगैरह, तो वो जब आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे रैंक और उसके बाद सबमिट कर दोगे, सेव कर दोगे, तो सभी के कार्ड ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि रैंक सभी के कार्ड पर लिखी हुई आती है, तो सभी के कार्ड दोबारा से प्रिंट होंगे। और जो भी कार्ड दोबारा से प्रिंट होंगे उनकी 170 रुपये कुछ फीस लगती है, वो आपको पे करनी होगी। सभी कार्ड की अलग अलग लगेगी क्योंकि नए कार्ड बन के आएंगे। बाकी कुछ डिटेल जो की है उनके पैसे नहीं लगते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर कुछ रीड ओनली फील्ड्स हैं और कुछ रीड राइट फील्ड्स हैं, जिनके बारे में आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद ही आप अपने कार्ड को ब्लॉक करें। जो रीड ओनली फील्ड्स हैं वो येलो कलर में होंगी, और अगर आप उनको कुछ भी चेंज करते हो, जो बॉक्स देख सकते हैं आप येलो कलर का है, तो इसमें आपकी 177 पर कार्ड की फीस जो चार्ज होगी। उसके बाद आपकी डिटेल्स को रिकॉर्ड में वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद आपका कार्ड दोबारा से प्रिंट होने के लिए जाएगा। लेकिन अगर आपके अब डिटेल्स अपडेट नहीं है तो आप पार्ट टू ऑर्डर भेज के अपडेट करवा लें पहले, उसके बाद ही कार्ड को ब्लॉक करें, उसके बाद ही आप यहाँ से कर सकते हैं, वरना रिकॉर्ड से रिजेक्ट हो जाएगा आपका कार्ड। इसके बाद जो रीड राइट फील्ड्स हैं जो ग्रीन कलर में है, उनमें आप कोई भी डिटेल चेंज कर सकते हो, जैसे ईमेल आईडी वगैरह है या फिर ब्लड ग्रुप है या फिर आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो इसमें आपकी ज़्यादा डिटेल के पैसे नहीं लगते हैं, आपको बस यहाँ पर अपडेट करना होता है, सेव कर देना है। उसके बाद ECHS में जाके आपको अपना ECHS कार्ड मशीन में चलाना होता है, वो आपके कार्ड को अपडेट कर देते हैं और चल पड़ता है। लेकिन कोई भी ऐसी डिटेल जो कि आपके कार्ड के ऊपर छप के आएगी तो उसके लिए आपको पे करना होता है, उसके बाद आपका कार्ड बन के आता है। सारी डिटेल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अभी जो नीचे येलो कलर में है, अगर आपको यहाँ से कुछ चेंज करना है तो नीचे सेलेक्ट करें, उसका नीचे सेव कर लें, लेकिन ग्रीन में करना है तो ऐसे सेलेक्ट कर लें। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे करना है।
इसके बाद सभी डिटेल चेंज कर लें, सेव कर दें। इसके बाद दोबारा से आप इस ऑप्शन पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको पे का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने येलो कलर से कुछ भी सिलेक्ट किया होगा, आपको पेमेंट कर लेनी है, यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली आ जाएगा, उसके बाद ऊपर स्टेटस पेंडिंग में आ जाएगा। लेकिन ग्रीन में किया है तो आपको बस यहाँ पर सेव कर देना है, उसके बाद यहाँ पर शो हो जाएगा पेंडिंग स्टेटस। आपको अपने नज़दीकी पॉलीक्लिनिक में जाना है, जो भी पॉलीक्लिनिक है वो आपकी डिटेल्स को अपडेट कर देंगे। लेकिन अगर आपने ग्रीन का ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा तभी, बाकी येलो में किया होगा तो पेमेंट होगी। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफिस में जाएगा, वो आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे। आपको रिकॉर्ड ऑफिस का नंबर कैसे पता करना है, इसके लिए आपको गूगल पर ECHS रिकॉर्ड ऑफिस सर्च करना है। फर्स्ट बार लिंक पर क्लिक कर देना, अपना रिकॉर्ड ऑफिस सेलेक्ट करें, नीचे नंबर आ जाएंगे। आप इन पर कॉल करके भी वेरीफाई करवा सकते हैं अगर आपको थोड़ी जल्दी है। अगर आप ग्रीन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको टेम्परेरी स्लिप वगैरह की जरूरत नहीं है, इसमें आपका वही कार्ड चलेगा क्योंकि आपके कार्ड को दोबारा से एक्टिवेट कर देंगे। लेकिन अगर आप येलो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपका कार्ड दोबारा से प्रिंट होने के लिए जाएगा। जब रिकॉर्ड ऑफिस से वेरीफाई हो जाएगा आपका डाटा, तो टेम्परेरी स्लिप में वो डिटेल शो हो जाएगी। आपको टेम्परेरी स्लिप का प्रिंट लेके आप इसे चेस्ट में वेरीफाई करवा के उससे दवाई वगैरह ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, किसी भी डिटेल को अपडेट करने से पहले चेक कर लें कि वो आपके रिकॉर्ड में अपडेटेड हो। अगर वो अपडेटेड नहीं होगी तो आपको पार्ट टू ऑर्डर भेज के उन्हें पहले ठीक करना होगा, उसके बाद ही आप यहाँ से करें, वरना वो रिजेक्ट कर देंगे। अदर कोई भी जानकारी अगर आपको इससे रिलेटेड चाहिए हो तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा, या फिर आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल करके पता कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर से नीचे कमेंट करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।